हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से आज ही के दिन में एक लेटर जारी किया गया है, जिसे हम आपके लिए बताने वाले हैं। तो चलिए बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहे। क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जैसे कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट 2023 ब्रेकिंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर वो क्या है, आगे आपको बताने वाले हैं। इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोटिस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की तरफ से ये लेटर जारी किया गया। ये आपका 31 जुलाई 2023 को जारी किया और 31 तारीख को ही हम आपके लिए बता रहे हैं। तो देखते हैं क्या है विज्ञप्ति। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी विज्ञप्ति क्या है। यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2016 एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 2022 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विषय चित्रकला में, किसमें, विषय चित्रकला में पीएचडी में प्रवेश हेतु अर्हता अभ्यर्थियों से इस कार्यालय पत्र संख्या /1405 दिनांक 9/9/2022 /2259 दिनांक 11/1/2023 एवं विज्ञप्ति संख्या /2520 दिनांक 9/2/2023 द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त किए गए थे। अवमुख श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य की प्रवेश परीक्षा दिनांक 3/4/2022 को आयोजित कराई गई थी। प्रवेश परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों एवं अवमुख श्रेणी के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 25/26/27/4/2023 को आयोजित कराए गए थे। आगे देखते हैं। साक्षात्कार के उपरांत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में पीएचडी में प्रवेश हेतु औपबंधिक रूप से अर्हता पाए गए अभ्यर्थियों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। जिन साथियों का नाम आ गया है इस पीडीएफ में, उनका नाम संलग्न है, यानी नीचे दे रखा है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक 5/8/2023 तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित शोध विभाग में प्रातः 11 बजे से 12 बजे के मध्य अपने समस्त अभिलेखों यथा आवेदन फॉर्म की प्रति, प्रवेश पत्र की प्रति, समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं आरक्षण श्रेणी इत्यादि की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति के साथ कोर्स वर्ग हेतु निर्धारित फीस का ड्राफ्ट ऑनलाइन पेमेंट रिसीट जमा करें। उक्त तिथि तथा अभिलेख व कोर्स वर्क फीस जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा एवं उनके प्रवेश पर भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों हेतु उपलब्ध है, यानी आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों हेतु उपलब्ध है। अन्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अर्हता के अनुसार ही चयन हेतु पात्र होंगे। ठीक है, आगे जिन साथियों का नाम नंबर आया उनको आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप अपना नाम देख सकते हैं। आगे और देखते हैं जी, ये दो पेज इसके साथ संलग्न कर रखें और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए धन्यवाद।